अंधविश्वास, जिसके नाम में ही उसका अर्थ है अंधा, ज्ञानी, यानी किसी चीज को जाने पहचाने बिना, सोचे समझे विचार किए बिना उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना। अंधा मतलब वह व्यक्ति जिसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार अंधविश्वास में डूबा हुआ व्यक्ति भी किसी भी बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए हुए, सोचे समझे बिना उस पर विश्वास कर लेता है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है और लोग इसके साथ आज दिन तक चल ही रहे हैं। कुछ मान्यता ऐसी होती है ना जो परिवार के बड़े बुजुर्ग करते हुए और हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे होते हैं, तो हम उस प्रकार उस परिस्थिति के अनुसार चल देते हैं और आज दिन तक चलते आ रहे हैं। वही राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी अंधविश्वासियों में लोग इतने ज़्यादा डूबे हुए कि वे इसमें किसी की जान तक चली जाती है। वहीं राजस्थान का भीलवाड़ा शहर इसमें बहुत ही आगे है। इस शहर से अंधविश्वास की कई सारी कहानियां सामने आती रहती है। वहीं भीलवाड़ा से एक खबर है जहां के बाक्या रानी माता का मंदिर है, जहां भूत उतारने और इलाज के नाम पर महिलाओं के साथ बेहिसाब जुल्म होता है। यहां तक कि चोरी छिपे उन्हें चमड़े के जूते से पानी भी पिलाया जाता है। कई महिलाओं को उल्टा लिटाकर सीढ़ियों पर घसीटा जाता है। इतने कड़ाके की ठंड में महिलाओं को ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, लाते घूसों से पिटाई की जा रही है, जबरन मंदिर की परिक्रमा कराई जा रही है। महिला चलते हुए जरा सा भी रुक जाती है तो उसकी पिटाई होने लगती है और ये पिटाई करने वालों में शामिल है उनका परिवार ही, परिवार के सास, ननद, भाभी, बहन और माँ। जब किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो वे कहती है कि हमारी बहू है और इसे कुछ भी काम बोलो तो वो हर काम को उल्टा करती है। अब सवाल ये है कि इस प्रकार की अगर कुछ कंडीशन है तो ऐसे में उन्हें मनोचिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए, बाबा ढोंगियों को क्यों दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों पर एक महिला को उल्टा लेटा देते हैं और पीठ के बल रेंगते हुए नीचे उतारते हैं। साथ में उसके घर की महिलाएं भी है, वे उसे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है। बीच बीच में महिला थककर रुक जाती है तो ओझा उसके पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है। उसके हाथ, पैर और पीठ पूरी तरह छिल जाती है। वह रहम की भीख मांगती रहती है लेकिन भोपे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे उतारने में। वहीं दूसरी तरफ भोपा बैठा है जो महिला के सर पकड़कर उसके बाल खींच रहा है। भोपा उनसे जबरन कुछ बुलवाने की कोशिश करता है, वह नहीं बोलती तो उसे मुक्के मारता है। इस बीच एक महिला कुत्ते की तरफ इशारा करती है, तभी भोपा तपाक से बोल पड़ता है, अच्छा ये कुत्ते की बलि देने के लिए बोल रही है। ऐसे में दर्शाया जाता है कि महिला में आत्मा है और वो कुत्ते की बलि के लिए बोल रही है। लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि भोपा उनसे जबरन बुलवा रहा है और अंधविश्वास के नाम से उनसे पैसे हड़पेगा। वहीं मंदिर में एक ज्वाला मंदिर है जहां एक महिला को बांधकर फर्श पर घसीटा जा रहा है। तीन महिलाएं उसे खींच रही है। पूछने पर उन्हीं में से एक महिला बताती है कि इस महिला के अंदर बुरी आत्मा है, पूरा चक्कर काट लेगी तभी वो आत्मा इसके शरीर से बाहर निकलेगी। भोपा की मार और इलाज की प्रक्रिया ने उन्हें सदमे में पहुंचा दिया है और भोपा बिना देर किए घोषित कर देता है कि महिला के शरीर में डाकन भूत है। फिर चमड़े के जूते से उन्हें पानी पिलाया जाता है, पीटा जाता है और उनका शोषण शुरू हो जाता है। दरअसल ग्रामीण इलाके में ज्यादातर महिलाएं गरीब और अनपढ़ हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है। उनके परिजन आसानी से भोपा भोपी के झांसे में आ जाते हैं। उनका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है। उनके घर की महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। अब सवाल ये है कि ये मंदिर है या कसाई खाना जहाँ महिलाओं को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, प्रशासन इस पर सवाल क्यों नहीं उठाती? आज भी समाज में शिक्षा की इतनी ज्यादा कमी है कि लोग बाबा ढोंगियों के पास जाते हैं। इससे पहले भी भीलवाड़ा के कुछ ग्रामीण इलाकों में ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां अंधविश्वास ने अपना कोहरम बिछा रखा है। अंधविश्वास में ऐसे चकनाचूर हो गए कि किसी की तकलीफ का एहसास तक नहीं होता और नन्हे मुन्ने नवजात मासूमों तक को नहीं छोड़ता है अंधविश्वास। कुछ ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास में पड़े लोगों ने चिमटे से दाग देना ही बीमारी का इलाज मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी को चिमटे से दाग देकर किसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? किसी वैज्ञानिक ने तो आज दिन तक इसका कोई वैज्ञानिक परिणाम नहीं बताया। 21वीं सदी के राजस्थान की ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। चिकित्सा व्यवस्थाओं का चाक चौबंद करने के दावों के बीच नन्हे मासूम बच्चों को अभी भी डाम लगाकर ठीक करने की ऐसी खबर रूह कंपा देती है। उदयपुर स्थित MB हॉस्पिटल में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। डाम लगाने से बीमारी ठीक हो जाने का अंधविश्वास मासूमों की जान खतरे में डाल रहा है। भीलवाड़ा में थोड़े समय पहले ही एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई जिसमें अपने 8 माह के पोते को सांस लेने में तकलीफ और सर्दी जुकाम सही नहीं होने पर उसकी दादी ने उसे 4 जगह 7 डाम लगा दी। एक छोटे से नाजुक त्वचा वाले मासूम को चिमटे से दाग देना कहाँ तक सही है और ये बीमारी को सही करेगा या और हालत खराब? डाम लगाना, चिमटा दाग देना, बीमारी ठीक हो जाना, ऐसा अंधविश्वास बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है। आए दिन अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कई बच्चों की जान चली जाती है। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यकता है अपने मन, मस्तिष्क, सोच एवं मन विज्ञान को मजबूत करने की। अक्सर अंधविश्वास ही सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। कभी बिल्ली के रास्ते काटने पर उस रास्ते से बाहर जाकर
डालेगी, आप पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य भी अंधविश्वासों पर प्रयोग करके देखिए, आप अपने आप इन अंधविश्वासों से बाहर निकल आएंगे। अगर आपके साथ इन अंधविश्वासों पर प्रयोग करते समय कोई अनहोनी होती है तो यह महज एक संयोग ही होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। कुछ मान्यता ऐसी होती है ना जो परिवार के बड़े बुजुर्ग करते आ रहे होते हैं और हम बचपन से उन्हें देखते आ रहे होते, तो हम उसी प्रकार उस परिस्थिति के अनुसार चल देते हैं और आज दिन तक चलते आ रहे हैं। जैसे कि कहीं जाने से पहले अगर किसी ने छींक दिया या अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज भी हमारे दिमाग में एक पल के लिए यही ख्याल आ जाता है कि अब हमारा काम न बिगड़ जाए। अब तो हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं पर आज भी हमारी मानसिकता एक पल के लिए ऐसी हो जाती है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ घटना होती है तो ख्याल दिमाग में आता ही है कि मेरा काम न बिगड़ जाए। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोवैज्ञानिक एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं एवं ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वास को मानने एवं इन पर चलने से ही शायद वे सफल हो जाए। इसके साथ ही और न जाने कैसे अंधविश्वास और कुप्रथाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों में चलती आ रही है, जिसमें लोग भोपों और ढोंगी बाबाओं पर आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे गाँव है जहाँ अंधविश्वास ने अपना कोहराम बिछा रखा है और अंधविश्वास में ऐसे चकनाचूर हो गए कि किसी की तकलीफ का एहसास तक नहीं होता और नन्हे मुन्ने नवजात मासूमों तक कोई अंधविश्वास ने नहीं छोड़ा।